मंथन करते हुए कि आज के समय के अंदर परमात्मा का शासन पाया जीवात्मा अपने जीवन के अंदर एक ही अभिलाषा होती है कि आराधना। परमात्मा ने असंख्य योग बताया है, इन आराधना का कार्य के अंदर यदि संसारी जीवात्मा भी होवे कि साधु जीवन की मर्यादा के अंदर हो, उसके मन के अंदर तमन्ना पुण्य का उदय हो, इसके मन के अंदर एक ही तमन्ना होती है। परमात्मा ने दश दृष्टांत दुर्लभ मनुष्य जीवन बताया, इस मनुष्य जीवन के अंदर परमात्मा ने जितने योग बताए सारे के सारे हमारे पास मौजूद है, और ये आराधना करते हुए हमारे जीवन के अंदर हमारा लक्ष्य हमारा ध्येय, इसे आराधना करने का कार्य के अंदर, धर्म की आराधना का कार्य के अंदर, कि कहा जाता है दुर्गति के अंदर पड़ता जीवात्मा को सदगति के अंदर ले जाए, ये धर्म तत्व कहा जाता है। ऐसी धर्म तत्व की आराधना यद किंचित भी जीवात्मा करे फिर भी उसके मन के अंदर ये अभिलाषा रहे, इको भी नमुकारो तारे नरव नारे। परमात्मा के शासन काल के अंदर एक भी नमस्कार किया हुआ ये कार्य होता है, भव रूपी संसार को उतारने के रूप में समर्थ बनने वाला परमात्मा का शासन है। तो मैं भी मेरे जीवन के अंदर पूर्व के पुण्य के योग से परमात्मा का शासन पाया, पांच इंद्रिय की परिपूर्णता मिली, और परमात्मा जितने योग बताए हमको तो ज्ञान नहीं है, लेकिन परमात्मा ने मार्ग बताया, गंधर्व ग्रंथों ने पूर्वधरों ने पूर्वाचार्यों ने हमारे तक पहुंचाने का जो प्रयास किया है, हम कितने परम भाग्यशाली हैं। ऐसा जो शासन मिला है इन शासन की सार्थकता हमारे होनी चाहिए। एक नवकार मंत्र अपने कहते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, एक नवकार मंत्र ही हम गिनते रटन करते, अरे नवकार मंत्र के अंदर भी जबरदस्त ताकत हुई है। परमात्मा भगवान महावीर का जीवात्मा नैसार के भव के अंदर मुनि भगवंतों के द्वारा, क्योंकि साधु संत पारस मुनि समान कहा जाता है, मुनि भगवंतों के द्वारा मिलने का कार्य के अंदर क्या मिला था, वही नवकार मंत्र मिला था, नवकार मंत्र के आराधना का स्वरूप मिला था। उसके द्वारा मन के अंदर श्रद्धा जगी। साधु जो होते हैं साधु, इनको कोई अमोकते लालसा नहीं होती है और उसको कोई आकांक्षा नहीं होती है, अपने जीवन के अंदर साधना काल के अंदर साधना के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, और किसी को ये मार्ग जो बता रहे तो मार्ग कैसा बताएगा, उत्तम और सही सलामत रूप में बताए। संसारी जीवात्मा होवे, हो सकता है इसके अंदर स्वार्थ वृत्ति हो, कभी कुतूहल वृत्ति होवे, हाँ कभी कभी रास्ता के अंदर हमारे होता है अनजान रास्ता मिले, दो रास्ता आता होवे तो पूछना पड़ता है थाने के व्यक्ति के अंदर, सज्जन व्यक्ति होवे, हाँ साहब आपको जहां जाना यही रास्ता सीधा जाएगा, ये रास्ते आपको नहीं जानेगा। कहीं ऐसे होते कुतूहल वृत्ति वाले क्या कहते हैं, महाराज जी ये रास्ता नहीं, ये रास्ते जाओगे तो आपको हाँ रास्ता सीधा जाएगा, लेकिन साधु संत होते हैं पुस्ता नर पंडित, पुस्ता नर पंडित का कार्य के अंदर थोड़ा आगे चले और पूछने का कार्य होता कि भाई हमारे इस गांव के अंदर जाना है तो ये रास्ता, अरे साहब आप तो रास्ता ही चुक गए, रास्ता उधर का जाओ जा रहा था वहां जाने का था, इधर उल्ट रास्ते आपने जा रहे हो। तो इसी तरह से कभी कभी रास्ता बतलाने का कार्य के अंदर बताने वाला, तो इधर साधु संत जिसके जीवन के अंदर एक कभी भी कुतूहल, हाँ साधुता होवे तो खाली वेश मात्र से वेश पहनने से ये साधुता नहीं आती, आत्म कल्याण का मार्ग के अंदर। तो इधर देखते साधु अपने जीवन के अंदर साधना काल के अंदर वो बताया हुआ, इसके अंदर श्रद्धा, श्रद्धा श्रद्धा ही कार्य होता है, तो श्रद्धा का कार्य के अंदर संकित प्राप्त होता है। श्रद्धा से क्या होता है, विश्वास है, विश्वास का कार्य के अंदर उसको कहते श्रद्धा कहते विश्वास कहते, लेकिन ज्ञानी पुरुषों ने उसको पारिभाषिक शब्द के अंदर क्या कहा, समकित कहा। संकित यानी श्रद्धा विश्वास मनन्य अने आराध्य आगे बढ़ने का कार्य के अंदर, इसी तरह से नवकार मंत्र की आराधना भी हमारे लिए तारने वाली बने।
लेकिन अपने जीवन के अंदर नवकान मंत्र की भी आराधना लक्ष्य बनाया जाए। इस नवकार मंत्र के आराधना के द्वारा अनंत अनंत जीवात्मा, अनंत तीर्थंकर परमात्मा अतीत अनागत वर्तमान काल के अंदर यही नव पद के ध्यान से, यही पंच परमेष्ठी का ध्यान से परम पद प्राप्त करने वाला ऐसा जीवात्मा इसके जीवन के अंदर कभी भी अवसर मिले परमात्मा की वाणी सुनेगा, कभी भी अवसर मिलेगा उसी समय के अंदर मनोमंथन करेगा, मैं आराधना कर रहा हूं, मैं साधना कर रहा हूं, मैं तपस्या कर रहा हूं। इसके द्वारा बताया जाता है कि क्या प्राप्त कर सकते, कैसा भाव आना चाहिए। हाँ, भाव की जो बात का कार्य के अंदर उपाध्याय विनय जी महाराज ने सोचा कि भाव की ही प्रधानता है। हम कितनी भी आराधना करें, कितनी भी साधना करेंगे, कितनी भी तपस्या करेंगे, लेकिन भावों के अंदर परिवर्तन नहीं आया तो